हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 मूवमेंट, और आज पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 24। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड लीवर। और आपको बता दें, कंपाउंड लीवर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर बेस्ड सवाल आपको पेपर में मिल सकता है। सो कंपाउंड लीवर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एक ऐसा लीवर जिसमें दो या दो से अधिक बेल क्रैंक लीवर लगे हो, ऐसे संयोजन को हम कहते हैं कंपाउंड लीवर। सो मिश्रित लीवर या कंपाउंड लीवर में दो या दो से ज्यादा एक बेल क्रैंक लीवर का कॉम्बिनेशन होता है। सच लीवर्स आर नोन एज कंपाउंड लीवर। ऐसे लीवर का यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज बहुत अधिक होता है। आपको बता दें, मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी। किसी भी लीवर के द्वारा उठाया गया लोड को, उस लोड को उठाने के लिए लगाए गए प्रयास का जो अनुपात होता है उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। सो किसी एक लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज प्रायः कम होता है। सो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाने के लिए हम एक से अधिक लीवर का एक कॉम्बिनेशन, एक संयोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड लीवर कहते हैं। आइए इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में एक ये बेल क्रैंक लीवर है। हालांकि इट इज सिंपल टाइप ऑफ लीवर, क्योंकि इसमें ये पूरा का पूरा स्ट्रेट है, इसमें दो आर्म हो गई। तो ये रहा इसका फलक्रम। सो इसमें आप देख सकते हैं, इस कंपाउंड लीवर में दो लीवर लगे हुए, एक लीवर ये और एक लीवर ये। पहला जो लीवर है इसका फलक्रम F1 पर है, दूसरा लीवर इसका फलक्रम F2 पर इस किनारे पर है। एक फर्क देखिएगा, पहले लीवर का जो फलक्रम है वो कहीं इन दोनों की पूरी लंबाई के बीच में है, लेकिन दूसरे लीवर का जो फलक्रम है बिल्कुल एक सिरे पर आ रहा है। ओके, दूसरी बात, लीवर 1 और लीवर 2 आपस में एक छड़ से कनेक्टेड है, और ये छड़ है AB। सो दीज टू लीवर्स आर कनेक्टेड बाय ए रॉड AB। अब होगा क्या, हमको प्रश्न में कहा गया कि जो P की वैल्यू है इस छड़ पर, इस लीवर पर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और जरा ये बताइए कि इस 20 न्यूटन के फोर्स लगाने पर हम यहां पे कितना लोड उठा सकते हैं। हाउ मच लोड दैट कैन बी लिफ्टेड विथ दिस मच अमाउंट ऑफ एफर्ट। आइए इसको समझते हैं। सो जरा पहले लीवर के लिए हम लीवर प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। फलक्रम ये रहा, प्रयास ये रहा, P × 60 इज इक्वल टू, अब ये क्यू कहां से आ गया। देखिए बच्चों, जब आप P फोर्स यहां पर लगाएंगे तो यहां पर आसानी से आप P फोर्स लगा, आप आसानी से उसको नीचे नहीं कर पाएंगे, आपको फोर्स लगा के नीचे लगाना पड़ेगा। तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहां पर एक फोर्स जनरेट होगा, जिस फोर्स को हम यहां पर नाम दे रहे हैं क्यू। सो दिस बार AB विल हैव वन इनहेरेंट अपोजिंग फोर्स ऑफ P। इस P के प्रतिरोध स्वरूप रेजिस्टेंस करता हुआ प्रतिरोधी बल यहां पर उत्पन्न होगा क्यू। ये फोर्स क्यू मूवमेंट लगाएगा, ये भी F1 के अबाउट लगाएगा, वो भी F1 के अबाउट लगाएगा, उसका मूवमेंट हो जाएगा P × 60, इसका मूवमेंट हो जाएगा Q × 10। सो P × 60 इज इक्वल टू Q × 10। यहां से क्यू निकाल लेते हैं। सो क्यू हो जाएगा, P की वैल्यू आपको 20 दी गई थी, 20 60, एंड दिस इज अपॉन 10, दिस इज 120 न्यूटन। तो जो यहां पर फोर्स इंड्यूस हो गया, प्रेरित बल आ गया, ये हो गया 120। अब जरा ये देखिए, ये पूरी की पूरी छड़ इस जगह पर, ये भी हिंज है, तो होगा क्या, ये अगर क्यू है तो इसका भी विरोधी बल यहां पर क्यू जनरेट हो जाएगा, जिसका मान होगा फिर से 120 न्यूटन। अब आ जाइए लीवर 2 पर। यहां पर एक फोर्स लग रहा है 120 का, जिसकी फलक्रम से दूरी कितनी है F2 से 55 प्लस 15 70। तो इस 120 न्यूटन की फलक्रम से दूरी है 70 सेंटीमीटर, तो 120 × 70, और ये वाला जो मूवमेंट लगेगा Q की वजह से, ये मूवमेंट इस ओर रहेगा। लेकिन ये W का मूवमेंट F2 पे किधर होगा, इस ओर होगा। ये दोनों मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप देख सकते हैं कि W × 55, सो W × 15, तो W × 15 यहां पर आ गया। क्योंकि वैल्यू 120 आपको पता थी, ये 70 आपको पता है, W आप निकाल लेंगे, 120 की जगह, Q की जगह 120 रखा, × 70/15, दिस इज 560 न्यूटन। आप देख सकते हैं कि इस
कंपाउंड लीवर सिस्टम की वजह से। आपने 560 न्यूटन का फोर्स उठा लिया है केवल 20 न्यूटन के लोड से। अब जरा हम इस मैकेनिकल एडवांटेज को समझते हैं। मामला क्या, पहले लीवर में आए, पहले लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म। आपको बता दें मैकेनिकल एडवांटेज के दो फॉर्मूले होते हैं, W अपॉन PV होता है या एफर्ट आर्म की लेंथ अपॉन लोड आर्म की लेंथ, ये भी होता है क्योंकि जब मूवमेंट के मल्टीप्लाई करेंगे तो एफर्ट एफर्ट आर्म से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू W मल्टीप्लाई होगा लोड आर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पहले लीवर में एफर्ट आर्म कितनी है, एफर्ट ये लग रहा है फलक्रम से डिस्टेंस 60, लोड ये लग रहा है फलक्रम से डिस्टेंस 10, तो ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया पहली रॉड का। ओके, दूसरी रॉड ये रही, एफर्ट कहां लग रहा है, ये लग रहा है यहां से डिस्टेंस 70, ये रखी हमने एफर्ट आर्म, लोड ये लग रहा है फलक्रम से डिस्टेंस 15, ये रहा 15, ये आ गया 14/3। कंपाउंड लीवर है तो दोनों लीवर के अलग अलग जो मैकेनिकल एडवांटेज आए हैं दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई और तब आपको मिलेगा इस कंपाउंड लीवर का ओवरऑल मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ। तो ये हो जाएगा यांत्रिक मैकेनिकल एडवांटेज ओवरऑल दोनों का गुणनफल, ये रखा एंड दिस इज 28। सो अब हम अगर ओवरऑल बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, W अपॉन पी होता है। मैकेनिकल एडवांटेज की जगह हमने 28 रखा, W हमको निकालना था, ये हमने पी रखा और ये वैल्यू फिर से आ गई 560 न्यूटन। सो हमने इस तरीके से भी वही आंसर पाया, इस तरीके से वही एक काम करते हैं कि केवल इस लीवर वन की वजह से, केवल लीवर वन की वजह से हम इस लोड को उठाना चाहते 560 के लिए तो कितना एफर्ट लगाना पड़ता। सो फॉर दिस अगर हम यहां पे निकाल लें लीवर वन की वजह से तो लीवर वन का मैकेनिकल एडवांटेज है 6, ये रखा 6, W उठाना था 560, कितने एफर्ट की जरूरत पड़ेगी P1, सो P1 इज इक्वल टू 560/6, This is equal to 280/3, और 280 का मतलब हो गया is equal to approximately 93 न्यूटन। आप देख लीजिए क्यों हमने कंपाउंड लीवर का इस्तेमाल किया, एक अकेला लीवर 560 के लोड को 93 न्यूटन से हम इस लीवर वन से अगर उठा पाते तो कंपाउंड करने के बाद केवल 20 न्यूटन से हमने 560 उठा दिया। एंड दैट इज व्हाई कंपाउंड लीवर आर मोर यूजफुल, वेरी बहुत इस्तेमाल होता है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, मैकेनिकल में, ब्रेकिंग सिस्टम में, क्लच सिस्टम में, एक्सेलरेटर सिस्टम में, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल फोर्सेस कुछ प्रॉपर्टी लेकर आएंगे, विच विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर नंबर 3 मूवमेंट। टिल देन थैंक यू वेरी मच और पढ़ते रहिए।